चलते हैं अगली खबर की ओर। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपए के सफाई घोटाले में कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ठेकेदार रोहतास को कैथल के गुर्जर चौक से गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कावड़ियों के शिविर में छिपा हुआ था, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे 1.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2021 में जिला परिषद के पास गांव के सफाई के लिए 16 करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट आई थी। इस राशि में से करीब 10 करोड़ रुपए की राशि टाइड व अनटाइड के कार्यों में खर्च की जानी थी। उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीईओ सहित अन्य अधिकारी व फर्म के ठेकेदारों ने आपसी सांठगांठ कर गांव में सफाई करवाए बिना ही 7 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली। इस घोटाले को लेकर 10 से 12 गांव के सरपंचों ने उस समय के तत्कालीन डीसी सुजान सिंह से मिल अपने अपने गांव में सफाई न होने की लिखित में शिकायत दी। घोटाले का पता चलते ही डीसी सुजान सिंह इस काम पर रोक लगा दी और जिस कारण 4 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो गई। इसके बाद कैथल विधायक लीला राम ने भी इसकी शिकायत सरकार को दी। तब से इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही थी। इस मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल टीम कर रही थी, जिसमें अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब 8वें आरोपी रोहतास को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह का कहना है कि घोटाले के शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथल से संदीप बागड़ी की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, एसीबी कैथल। महेंद्र जी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या नाम है, क्या आरोप थे, कहां से गिरफ्तार? ये जो इसका सफाई घोटाला था जिला परिषद का, पिछले महीने से चल रही इन्वेस्टिगेशन, इसमें 7 मुलजम पहले अरेस्ट कर लिए थे जुजेड़ में। उसका एक सर्विस प्रोवाइडर था रोहतास, जिसकी रोहतास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फर्म थी। इसने भी 72 लाख रुपए का फर्जी बिल बना के और 72 लाख रुपए सरकार के ले रखे थे। कई दिनों से इसकी तलाश थी। कल हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली भी ये यहाँ गुजर चौंक पर कावड़ियों की सेवा सुवा के लिए खड़ा है। वहाँ जाके हमने चेक करा तो मिल गया था, इसको अरेस्ट कर लिया वहाँ से। और इसकी फर्दिंग साफ के अनुसार 1.5 लाख रुपए इसके घर से बरामद हुए हैं, जो पैसे इसको अकाउंट में आए थे। कहाँ का रहने वाला है? ये ऋषि नगर का रहने वाला है। इसका पिछला गांव तो बरटा है, लेकिन 20-25 साल से ऋषि नगर में रह रहे हैं। फर्जी बिल जो बनाए गए थे, वो किस चीज़ के बनाए गए थे सर? ये गाँव में जो साफ सफाई के कार्य की जो ग्रांट आई थी फरवरी 2021 में, उसके थे ये। और आरोपी इसमें अभी 7 आरोपी हो रहे हैं, हम पीछे लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे हम 10 से 15 दिन में सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लें। आरोपी को रिमांड पे ले जाएगा? नहीं, रिकवरी होगी, जुडिशियल भेजेंगे।